education to all children has been recognized by the Constitution since its adoption. In the year 2002, a new Article 21A was inserted in the Constitution, which made free and compulsory education a fundamental right to all children in the age of 6 to 14 years. Can anyone guess what does this 40% represents? Yes, it is our hypothesis. Before doing this project, we think that in our community only 40% of people are aware of RTE Act. Can anyone guess what does this 26.5% represents? Reality. So this is the real percentage of the people who are aware of RTE Act. We found that in our community, most people don't know about RTE Act and they are unaware of the things in RTE Act. For example, EWS, Economical Vehicle Section, teacher training, physical violence, fire safety, as well as school grounds should not be used for random things like wedding party. RTE ke report ke hisab se 96% bachche school 96% bachcho ka naam school ke register mein likha gaya hai. Usme se 57% bachche school jaate hai. 6 se 16 saal tak ke bachche school nahi jaate. Uski kya karan hai? Wo kyun school nahi jaate? Ghar par kya karte hai? हमारे इधर एक गुलनाज नाम की लड़की है. उस वो छोटी थी जब से कचरा चुनती है, बच्चे लोग के साथ खेलती थी, खाना पकाती थी. अब उस वो उसका उम्र 16-17 साल की है. अब उसकी शादी हो गई है. अब उसको अभी वो हमको देखती है तो मुझे हमको बोलती है मुझे भी स्कूल पढ़ना है, मुझे भी आप जैसा बनना है. जैसा कि मेरा भाई महेश यादव, उसको सर ने स्कूल में डाले थे तो उसको वो भी नहीं जाता था और वापस सर भी नहीं बुलाने आए. फिर वो स्कूल 2-3 दिन गया, फिर वापस वो सर भी नहीं आए न वो गया. फिर वो हल्लू, फिर वो दोस्तों के साथ पत्ता चोरी जुगाड़ वो सब खेलने लगा. एक सर आते हैं, हम लोग इधर के बच्चे लोग स्कूल नहीं जाते ना, तो उनको क्या बोलते हैं, हम तुमको पैसा देंगे हमारे स्कूल में चलो. तो वो बच्चे लोग पैसे के लालच में जाते और सर भी उन लोग तो सीखे ले नहीं रहते, तो सर भी डायरेक्ट उनको पहली में नहीं बिठाते, डायरेक्ट आठवीं में डाल देते उनको. हमने बच्चों से पूछा कि तुम स्कूल भेजेंगे तो जाएंगे क्या, था उसमें से 60 बच्चे बोले कि हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि उनको डायरेक्टली बड़ी बड़ी कक्षा में ले लेते हैं, फिर उनको मज़ा नहीं आता ना उनको मन लगता है. स्कूल नहीं जाने का कारण क्योंकि उनको घर में काम करना पड़ता है, उनको घर में खाना पकाना पड़ता है, पानी भरना पड़ता है और उनको न जाने का कारण उनके भाई बहन संभालना पड़ता है. उनकी मम्मी पापा काम पे चले जाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं पढ़ पाते. उनके मम्मी पापा है कि नहीं, हमने देखा कि 12 बच्चों के पापा नहीं हैं और उनकी मम्मी है तो अकेले काम नहीं कर सकती, इसलिए बच्चों को भी काम पर लगा देती है. अगर पापा है तो उनको लेना देना नहीं होता है कि वो बच्चे स्कूल जाए या ना जाए, वो दारू पीकर सो जाते हैं. और उनकी मम्मी पापा को पढ़ाने के रहते हैं पर उनके मम्मी पापा ही नहीं पढ़े तो वो बोलते हमको स्कूल में जाने का समझता नहीं है, स्कूल में क्या बोलने के लिए हमको समझता नहीं है. और वैसे ही मेरी मम्मी भी अभी बोल रही है मुझे कि 8वीं पढ़ के छोड़ दे क्योंकि मुझे भी अभी बस हो गया, तो स्कूल पढ़ते पढ़ते तो कब तलब पढ़ेगी. तो मुझे ऐसा लगता है कि और आगे बढ़ना है और पढ़ना है.